हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टेस्ट ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। सफलता की कुंजी अब तैयारी हम करेंगे स्लोगन के साथ। मैं तरुण कुमार शर्मा 8 जून 2020 का करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ, जो बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ये डेली कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज एनालिसिस एंड करंट अफेयर्स अपडेट है फॉर IAS, बैंक, SSC, RRB एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम 2020 एंड 2021 के लिए। आगे बढ़ने से पहले टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से जो टाइम टेबल दिया गया है, जरा उस पर बात कर लेते हैं। सुबह के 4 बजे करंट अफेयर्स, जो बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, जो मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ। दोपहर के 4 बजे एग्जाम की बात, ये मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे होती है हमारी क्लासेस। आफ्टरनून 4 बजे ही हमारे यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री क्लासेस चल रही है, जो संडे, ट्यूजडे एंड थर्सडे होती है। प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए आप ऊपर आई बटन में क्लिक कर भी वीडियोस देख सकते हैं, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट पे जाकर भी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाके टेलीग्राम चैनल से हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से मॉडर्न हिस्ट्री क्लासेस कंटिन्यू चले जा रही है, सारे वीडियोस प्लेलिस्ट पे रखे गए हैं, आप जाके फॉलो कर सकते हैं, एज वेल एज MCQ भी रखे हुए हैं। 9000 GK वन लाइनर बाई टेस्ट ऑफ नॉलेज, ये बहुत जल्दी हम सेशन शुरू कर देंगे। एग्जाम के बाद 5 जून 2020 से कंटिन्यू हमारे यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप ऊपर आई बटन में क्लिक कर देख सकते हैं, अदरवाइज प्लेलिस्ट पे जाकर भी देख सकते हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर SSC एग्जाम एट होम, आपको पता है SSC ने एग्जाम की डेट अनाउंसमेंट कर दी है, अब हमारे यहाँ पर बस क्लासेस शुरू होने वाली है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन बैच शुरू हो रहा है SDSir कॉम्पिटेटिव क्लासेस में, ये यहाँ लिमिटेड सीट है, जो करीबन 80 सीट्स होंगे। यहाँ पर मैथ, इंग्लिश, GI, GK क्लासेस होंगी, SSC, रेल, WBCS, WB, PSC, WBP एंड TET की तरफ से। रीजनिंग की क्लासेस मैं ले रहा हूँ, ये पेड कोर्स है, तो आप अगर पेड कोर्स में ज्वाइन लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर SDSir की टीम आपके जितने भी डाउट्स रहेंगे उसकी सॉल्यूशन निकाल देंगे, माने आपको सब सपोर्ट देंगे कि आपको क्या करना है, किस तरीके से फॉर्म भरना है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, टोटल 10 क्वेश्चन के ऊपर हम बात करेंगे। इन विच डिस्ट्रिक्ट तत्पर प्रोग्राम वाज लॉन्च टू हेल्प द माइग्रेंट वर्कर्स टू गेट बैक टू देयर नेटिव प्लेसेस, प्रवासी श्रमिकों को उनके मूल स्थानों पर वापस लाने में मदद करने के लिए किस जिले में तत्पर कार्यक्रम शुरू किया गया था, पटना, रांची, कोलकाता या चेन्नई? तो इसका करेक्ट आंसर है तत्पर योजना, जो प्रोग्राम शुरू किया गया था वो कहां पे शुरू किया गया था, रांची में। मी अन्नपूर्णा इज द इनिशिएटिव लॉन्च फॉर फार्मर्स वेलफेयर अक्रॉस विच स्टेट, मी अन्नपूर्णा किस राज्य के किसानों के कल्याण के लिए शुरू की गई पहल है, हरियाणा, पंजाब, गुजरात या महाराष्ट्र? तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र के फार्मर्स के लिए मी अन्नपूर्णा इनिशिएटिव शुरू किया गया था। नेम द इनिशिएटिव विच वॉज लॉन्च टू प्रमोट साइकोलॉजिकल सपोर्ट थ्रू अ वेबसाइट, अ टोल फ्री हेल्पलाइन टू ऑल चिल्ड्रेन गोइंग चिल्ड्रेन पेरेंट्स एंड टीचर्स। उस पहल का नाम बताएं जो एक वेबसाइट सभी स्कूल जाने वाले बच्चों, अभिभावकों को और शिक्षकों को टोल फ्री हेल्पलाइन के माध्यम से मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी, मनोदर्पण, संपूर्ण, समर्थन या समर्थ? तो इसका करेक्ट आंसर है मनोदर्पण। नेम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस वीडियो KYC फैसिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो KYC, क्योंकि ये फर्स्ट आ चुका है यहाँ पर, फॉर सेविंग अकाउंट कस्टमर, बचत खाता ग्राहकों के लिए वीडियो KYC सुविधा शुरू करने के लिए भारत में पहला बैंक कौन सा है, तो एक्सिस बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या इंडसइंड बैंक? तो इसका करेक्ट आंसर है यस बैंक ने वीडियो KYC फैसिलिटीज शुरू की है सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए। नेम द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ NABARD रिसेंटली टिल जुलाई 2022, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे हाल ही में जुलाई 2022 तक NABARD का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, PVS सूर्य कुमार, गोविंदा रजुलू चिंटला, साजी के वी या हर्ष कुमार भनवाला? तो इसका करेक्ट आंसर है गोविंदा रजुलू चिंटावाला। गाइज, अगर सेशन पसंद आया तो लाइक करिएगा, आगे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका कमेंट बॉक्स पर आंसर देना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की मदद हो सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।
इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, चाणक्या लाइव बोलकर हमारे यहाँ पर वीडियो एक न्यू यूट्यूब चैनल ओपन किया गया है, ताकि आपको अब जो अदर सब्जेक्ट में जो प्रॉब्लम होती है लाइक जीआई मैथ, तो उसमें मैं आपकी मदद कर सकूँ। यहाँ बोर्ड एंड मार्कर का यूज़ होगा और डायरेक्ट लाइव क्लासेस चलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं चलेगी यहाँ पे। यहाँ पे जो लाइव क्लासेस चलेगी उस पर मैं आपको आपके जो भी डाउट रहेंगे मैं लाइव आपका आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह के लोगो आपको वहाँ पे नज़र आएगा, टेस्ट ऑफ नॉलेज का ही लोगो वहाँ रखा हुआ है। और आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करके रखें, जिस दिन वीडियो आएगी उस दिन आपको दिक्कत ना हो, डायरेक्टली आप वीडियो को देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे भारतीय इस्पात संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अर्नब कुमार हाजरा, पीवी नरेंद्रन, रविंद्र कुमार भन या दिलीप ओमेन। तो इसका करेक्ट आंसर है दिलीप ओमेन को नया जो है अपॉइंट किया गया एज अ पोस्ट ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन में। मोइकेटी सी मोजारो हैज बीन स्वर्न इन एन लेसोथोज न्यू प्राइम मिनिस्टर। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लेसोथो। मोइतेस्की मजारो को लेसेथो के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। लेसेथो की राजधानी क्या है। ब्लूम 14, प्रिटोरिया, माशेरू या सेन मेरिनो। तो इसका करेक्ट आंसर है माशेरू। सविता कुमारी एंड अंकित सिसोडिया हु हैज बीन प्रोविजनली सस्पेंडेड बाय नाडा इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। सविता कुमारी और अंकित सिसोडिया जिन्हें नाडा ने अंतिम रूप से निलंबित कर दिया है, किस खेल से जुड़े हुए हैं। पावर लिफ्टिंग माने रेसलिंग मतलब कुश्ती, सुमो मतलब सुमो, चेज मतलब शतरंज। तो इसका करेक्ट आंसर है ये पावर लिफ्टिंग से जुड़े हुए हैं सविता कुमारी एंड अंकित सिसोडिया। यूनियन एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक हैज लॉन्च, क्या लॉन्च किया है। नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप है ये, नेशनल टेस्ट अभ्यास एक ऐप है फॉर मॉक टेस्ट ऑफ NEET, नेट एंड JEE। हु डेवलप द ऐप। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय रमेश पोखरियाल निशंक ने NEET, नेट और JEE के मॉक टेस्ट के लिए नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप लॉन्च किया है। ऐप का विकास किसने किया है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एड्यू टेस्ट या सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मतलब राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने इस ऐप को विकसित किया है जिसका नाम है नेशनल टेस्ट अभ्यास। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एज पर द न्यू गाइडलाइंस द डाटा कलेक्टेड बाई NIC थ्रू आरोग्य सेतु ऐप कैन बी रिटेन्ड अप टू दैट डेज एट मैक्सिमम। नए दिशा निर्देशों के अनुसार NIC द्वारा आरोग्य सेतु के माध्यम से एकत्र किए गए डाटा को 10 दिनों तक मतलब अधिकतम दिन होंगे तक बनाए रखा जा सकता है। मतलब जो भी डेटा आरोग्य सेतु की तरफ से कलेक्ट हो रहे हैं फोन में, तो वो डेटा गवर्नमेंट कितने दिनों तक रख सकेगी। तो वो है 90 डेज, 120 डेज, 150 डेज या 180 डेज। तो इसका करेक्ट आंसर है मैक्सिमम वो 180 दिनों तक ही रह सकता है। सो गाइस इनिशिएटिव देख लेते हैं। अब MCQ 10 ही थे हमारे यहाँ पर, तो इनिशिएटिव देख लेते हैं। नए स्टूडेंट को मैं बता दूँ जो इनिशिएटिव का मतलब होता है बेस, जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा तब तक आप अपने लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाएंगे, तो उसी बेस को यहाँ मजबूत करने की हमारी पहल है। देख लेते हैं एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL चेयरमैन कौन है। राजीव शर्मा। मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब MD कौन है। सौरभ कुमार। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के बारे में देख लेते हैं। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है VK सिंह। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क US में। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है। अचीम स्टेनर। पंजाब के बारे में देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये पंजाब है। चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर है कैप्टन अमरिंदर सिंह। मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। ये एरिया जो आप देख रहे हैं वो है मध्य प्रदेश। कैपिटल है भोपाल। चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA के बारे में देख लेते हैं। चेयरपर्सन है प्रकाश जावड़ेकर। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और ये लोगो देख सकते हैं आप।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में समझ लेते हैं। फॉर्मेशन हुआ था 1 जुलाई 1955 को और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरमैन है रजनीश कुमार और टैगलाइन है द बैंकर्स टू एवरी इंडियन विथ यू ऑल द वे, अ बैंक ऑफ द कॉमन मैन, प्योर बैंकिंग, नथिंग एल्स। अबाउट एयरपोर्ट्स देख लेते हैं। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI के बारे में डायरेक्टर जनरल है एंजेला गिटेंस। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बफ्ता जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, हेडक्वार्टर है लंदन यूनाइटेड किंगडम में। प्रेसिडेंट है प्रिंस विलियम ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज। डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशंस यूनाइटेड नेशंस का जो है हेडक्वार्टर है इसका, माने हेड ऑफ डिपार्टमेंट है मेलिसा फ्लेमिंग, यूनाइटेड स्टेट के हैं और इस्टेब्लिश हुआ था 1946 में। गुजरात के बारे में देख लेते हैं। ये एरिया गुजरात है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। सो गाइज इनिशियली हमारे उतने ही थे। अब हम लास्ट डे जो क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे करंट अफेयर्स पे, टॉप 5 क्वेश्चन, उसका आंसर देख लेते हैं। मनिका बत्रा हु इज इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स, ये टेबल टेनिस से रिलेटेड है। नीरज चोपड़ा बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो से संबंधित है। व्हाट इज द करेंसी ऑफ भूटान, भूटान की करेंसी है ग्लुट्रम। देयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडसइंड बैंक, ये पुणे में हेडक्वार्टर है इंडसइंड बैंक का। नेम द कंट्री विच इज करेंट, माने करेंट में मतलब जून 2020 में प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये है फ्रांस। आज के टॉप 5 क्वेश्चन के ऊपर नजर देख लेते हैं। ये आपको कमेंट बॉक्स पर आंसर देना है इसके। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ रशिया, कमेंट बॉक्स पर बताना है आपको। कांगरा टी इज ग्रोइंग इन विच स्टेट, कांगरा ट्री कहाँ पे, टी जो है कहाँ पर ग्रो होती है, कहाँ पे पैदा होती है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, DGCA का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है। हु इज द चेयरमैन ऑफ सेबी, सेबी के चेयरमैन कौन है, सॉरी SBI के चेयरमैन कौन है। चलिए ठीक है, सेबी के भी चेयरमैन के बारे में बताइएगा, SBI के बारे में बताना है और सेबी के बारे में बताना है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है। ये टॉप 5 क्वेश्चन है जिसका कमेंट बॉक्स पर आपको आंसर बताना है। अब इंपॉर्टेंट डे के बारे में देख लेते हैं। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, आज 2 इंपॉर्टेंट डे है। तो वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, द वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे इज ऑब्जर्व 8 जून ईच ईयर, हर साल ये 8 जून को मनाया जाता है। बाकी आप अच्छे तरह से पढ़िएगा ये क्यों होता है। आगे देख लेते हैं। वर्ल्ड ओशियन डे, वर्ल्ड ओशियन डे यहाँ पर 8 जून को ही मनाया जाता है हर साल। ये वर्ल्ड ओशियन डे है और ये पॉल्यूशन फ्री वाटर को बनाने के लिए ये डे मनाया जाता है। सो गाइज आज का सेशन कैसा लगा, अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की मदद हो सके। कमेंट बॉक्स पर जो क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर दीजिए। PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाके PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और चाणक्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रही होगी और यही लोगो आपको नजर आएगा वहां पर भी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ये होता है बेल आइकन। सो गाइज मिलते हैं दोपहर के 4 बजे एग्जाम की बात के साथ। थैंक यू।